सबसे पहले मैं आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं उमेश सिंह प्रणाम करता हूं, हर हर महादेव कहता हूं। आपके प्यार में किस तरह के किसके प्यार में पड़ने वाले हैं? आज तक मैंने किसी के प्यार में नहीं पड़ा। कोई अगर प्यार में पड़ा है तो उसे प्यार से निकाल के फेंकने की कोशिश किया हूँ। आज यहाँ औराई में फिल्म की शूटिंग हो रही है, आपके प्यार में बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। ये इसके डायरेक्टर हमारे संजीव जी हैं, शिवजीत जी हैं बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। और यारा तेरी यारी इनकी पहली फिल्म जो थी, मैं उसमें विलन किया था। और बहुत ही कूल और कंफर्ट डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है कुल मिला के। इस फिल्म में क्या किरदार आ रहा है? इस फिल्म में मैं एक दबंग विधायक हूँ और ये टीन एजर लव स्टोरी है। और बस बाकी तो स्टोरी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बस है कुछ यूनिक टाइप का है कि ये विधायक है और एक टीन एज की लड़की है, लड़का है, फिर उनके साथ क्या 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 होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे परिस्थितियां आती हैं और कैसे उनसे गुजर के वो करता है, ये सारी चीज़ों को उभारते हैं। अब इसमें मैं खलनायक हूँ या नायक हूँ ये पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। जी, विशाल बहुत अच्छा हीरो है और अच्छा काम करता है वो, और बहुत ही नेचर और संस्कारी बच्चा है। और प्राची सिंह भी हमारे साथ एक फिल्म कर चुकी है, बहुत ही सुलझी हुई और अच्छी अदाकारा है। और आज के डेट में ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और प्राची तो ऐसा लग रही है कि जैसे सचमुच के स्कूल में जाने वाली बच्ची है, तो ये दोनों का गेटअप बड़ा प्यारा है और अच्छी फिल्म बन रही है। ये बात करें जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विकास जायसवाल और अनंत जाधव जी, क्या कहना चाहेंगे? विकास जायसवाल जी, अनंत जाधव जी जो हैं बहुत अच्छे हैं। अनंत जाधव जी मराठी के कई फिल्में बनाए हुए हैं, मराठी के प्रोड्यूसर हैं। और अब ये सोचिए, रामचंद्र जी की मराठी फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर्स आज जो है भोजपुरी फिल्म में आ रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आनंद जाधव जी जैसे प्रोड्यूसर भोजपुरी को एक सम्मान दिए, प्यार और उसे बनाने के लिए आए हमारे यूपी में और फिल्म बन रही है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही जो जिन कलाकारों का, जैसे अपना विशाल हो गया, प्राची सिंह हो गई, श्वेता वर्मा जी हैं, और मेरी वाइफ के किरदार में अपना विद्या सिंह जी हैं, बनारस की बहुत अच्छी अदाकारा है, वैभव राय है, मेरा बेटा बना हुआ है, विनोद मिश्रा जी भी हैं, शायद विनोद मिश्रा जी भी हैं, तो फिल्म बहुत अच्छी बन रही है कुल मिला के। दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को ज़रूर सिनेमा हॉल में देखिएगा, बहुत ही प्यारी, आपको अपना बचपन याद आएगा जब आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, तो कैसे कैसे क्या क्या चुलबुलापन करते थे और घर वाले कैसे आपके ऊपर नज़र रखते थे और फिर कैसे क्या होता है, तो उस तरीके से आपको मिलेगा। जैसे कि मैं विधायक हूँ तो मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, और ये तो कैसे क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको सब मसाला बहुत इंटरटेनिंग चीज़ देखने को मिलेगा इस फिल्म में। कोमल सिंह जी के साथ आपने कई फिल्में की और इस फिल्म में आप विलेन रहते, तो फिल्म हिट होता था, लकी विलेन का दर्जा आपको मिला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पवन जी के साथ कितनी फिल्में? पवन जी मेरे छोटे भाई हैं और उनके साथ में मैंने कई फिल्में किया है, जैसे भोजपुरिया राजा, गदर, सत्या, धड़कन, जिद्दी आसिक, बहुत सारी फिल्में, और महादेव की दया से जो जो फिल्में हम दोनों भाई मिल के किए वो पिक्चर सुपर डुपर हिट रही, चाहे वो गदर हो, चाहे सत्या हो, जो भी फिल्में हो, तो और मज़ा भी आता है, अच्छा लगता है काम करने में। खेसारी जी के साथ भी बहुत सारी फिल्में, जितनी भी खेसारी जी की सुपर हिट फिल्में हैं, जितनी भी सुपरहिट खेसारी जी की फिल्म है, बेताब, जो जीता सिकंदर, हीरो नंबर, मतलब जिससे कि लोगों को लगा कि हाँ खेसारी जी हैं, खेसारी जी बन गए हैं,
उस सारी हिट फिल्मों का विलन उमेश सिंह रहा और बहुत अच्छा हम लोगों की केमिस्ट्री रहती है हमारी और खेसारी की पवन जी के साथ में, फिल्म बम्पर हिट होती है और ये सब जनता की वजह से होती है। और हमारी मीडिया, आप जैसे जैसे रामचंद्र जी, आप सब लोग हमें लकी विलन का खिताब दिए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है सर।